कोरोना वायरस से भारत में अभी तक 270 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि इस खतरनाक वायरस से अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 22 से ज्यादा लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 60 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जबकि केरल में 27 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज भी मिले हैं। कोरोना वायरस का जाल भारत के 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। दिल्ली सरकार भी कोरोना को लेकर सख्त हो गई है। दिल्ली में भी सभी मॉल को बंद कर दिया गया है। नोएडा की तरह दिल्ली में भी दवा दुकान, राशन की दुकान, सब्जी और फल की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में जगह जगह पर लोगों के हाथ धोने के लिए हैंड सैनिटाइजर पॉइंट बनाया गया है, जहां लोग साबुन से हाथ धोकर हाथों में सैनिटाइजर लगा सकते हैं। यूपी के नोएडा में सेक्टर 74 की एक सोसाइटी में कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस मिला है। नोएडा प्रशासन ने पूरे सोसाइटी को 23 मार्च तक के लिए सील कर दिया है। सभी लोगों के बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने एहतियातन सभी लोगों को अपने अपने घरों में रहने की सलाह दी है। यूपी में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 23 के पार पहुंच गई है। इनमें से 9 लोग ठीक हो चुके हैं। यूपी के वाराणसी नगर निगम के 29 पार्षदों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। सभी पार्षद केरल और हैदराबाद घूमने गए थे। वहां से लौटने के बाद प्रशासन ने एहतियातन सभी को घर पर ही आइसोलेशन में रहने को कहा है। बता दें कि महाराष्ट्र के बाद केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। लखनऊ में कनिका कपूर के कारण सैकड़ों लोगों की जान खतरे में आ गई है। लखनऊ के कई इलाकों में आज लॉकडाउन कर दिया गया है। लखनऊ में बार, कैफे शॉप, रेस्तरां, हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लरों को 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। यूपी सरकार ने सभी धर्मगुरुओं से 2 अप्रैल तक सभी धार्मिक कार्यक्रम को टालने की अपील की है। शादियों में भी कम संख्या में लोगों के शामिल होने की हिदायत दी गई है। कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन के कारण परेशान दिहाड़ी के रजिस्टर्ड मजदूरों को योगी सरकार 1,000 रुपए देगी। यूपी सरकार 1,65,00,000 लोगों को एक महीने के लिए अनाज देगी। सीएम योगी ने बताया कि यूपी में मास्क और सैनिटाइजर की कोई कमी नहीं है। योगी ने दुकानदारों से जमाखोरी नहीं करने की अपील की, साथ ही सामानों को कीमत से ज्यादा दाम पर नहीं बेचने को कहा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की संख्या बढ़कर 62 के पार चली गई है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 10 मुंबई और 1 पुणे का मामला है। 11 पॉजिटिव मरीजों में से 8 हाल ही में विदेश से वापस लौटे हैं। बाकी के 3 उनके संपर्क में आने से कोरोना के चपेट में आए हैं। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए महाराष्ट्र में 4 शहर पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिए गए हैं। इनमें मुंबई और पुणे भी हैं। चीन ने कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन कोरोना दुनिया के दूसरे देशों में कहर बरपा रहा है। दुनिया में कोरोना से अभी तक 11,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस गंभीर वायरस की चपेट में 2,75,500 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। इस वायरस के चपेट में आने से 3,255 लोगों की मौत हुई है, जबकि इटली में 4,000 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। कोरोना के कारण नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट ने टाल दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। दोनों पक्षों के वकीलों ने अर्जी दाखिल कर सुनवाई को टालने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। आज कोर्ट में सोनिया गांधी के वकील की तरफ से विरोधी याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने जिरह करनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सुनवाई को टाल दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद कमलनाथ आज दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में कमलनाथ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। मध्य प्रदेश में जारी राजनीतिक उठापटक और अपने इस्तीफे को लेकर कमलनाथ पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट देंगे और आगे की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। कमलनाथ 25 मार्च तक दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और 26 मार्च को राज्यसभा चुनाव के दिन वो भोपाल में मौजूद रहेंगे। हरियाणा सरकार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे राज्य में एहतियात बरत रही है। इसके तहत ज्यादा व्यक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में ये संख्या 5 तक रहेगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई प्रदेश में कोरोना वायरस की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे।
कोरोना का खौफ राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मेडिकल चेकअप किया गया, जांच में वो स्वस्थ पाए गए। बावजूद इसके एहतियात बरतते हुए राष्ट्रपति के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। दरअसल राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में ब्रेकफास्ट की मेजबानी की थी, जिसमें दुष्यंत सिंह भी शामिल हुए थे। चंडीगढ़ में जो लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं या जो संदिग्ध हैं, उनके घरों के बाहर चंडीगढ़ प्रशासन ने पोस्टर लगा दिए हैं। पोस्टर में होम क्वारंटाइन के बारे में लिखा हुआ है और लोगों को सचेत किया गया है कि इस घर में इतने लोग रहते हैं और दूसरे लोग इन लोगों के करीब आने से बचें और उनके घर भी ना जाएं। दरअसल चंडीगढ़ में पहला कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस आया है। 23 साल की युवती के जब कॉन्टैक्ट ट्रेस किए गए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 119 कॉन्टैक्ट मिले। चंडीगढ़ में फिलहाल 5 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान पर बड़ी कार्रवाई की है। अरविंद केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। अमानतुल्लाह खान लगातार दूसरी बार भी विधायक बनने के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बने हुए थे, जो वक्फ बोर्ड के नियमों के खिलाफ है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की चपेट में आने से सड़क निर्माण के कार्य में जुटे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी लोग चारधाम सड़क परियोजना के तहत बद्रीनाथ हाईवे के निर्माण के काम में जुटे हुए थे। भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ हाईवे को बंद किया गया है। पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल की गायनी डॉक्टर पूनम भार्गव के क्लिनिक में अवैध गर्भपात करने का मामला आया है। यहां अवैध गर्भपात करवाने के मामले में कई वीडियो वायरल हुए हैं। डॉक्टर पूनम भार्गव और उसकी चपरासी बलजिंदर पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पूनम भार्गव से पूछताछ हो रही है। मामले में दूसरे आरोपी बलजिंदर की गिरफ्तारी अभी बाकी है। शनिवार को पूनम भार्गव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के धुले जिले में कोरोना वायरस के खतरे के चलते ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर इनको 15 से 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। धुले और नंदूरबार जिले में आधे से ज्यादा ट्रक ड्राइवर खाली बैठे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को तेजी से बढ़ने से रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बॉलीवुड हस्तियों के जरिए आम लोगों से बिना वजह घर से बाहर ना निकलने की अपील तेज कर दी है। फिल्म कलाकार आलिया भट्ट ने युवाओं को साफ सफाई और बार बार हाथ धोने की अपील को दोहराया है। अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अक्षय कुमार और अजय देवगन ने भी लोगों को घरों में रहने की अपील की है।